आप मुझे लेने, अगर मैंने कोई मास्टर को कंप्यूटर साइंस किया है तो मैं थोड़ी कोई ठेला चलाऊंगा। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके जहन में दो चीज़ आती होंगी, नौकरी करनी चाहिए या कारोबार, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जिन्होंने नौकरी स्टार्ट की है अभी 6-6 साल सर्विस उनको हो चुके हैं, आज तक उनके हालात जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और जिन लोगों ने अपना कारोबार स्टार्ट किया है वो जस्ट 3-3 सालों में उन्होंने अपने पूरी लाइफ में चेंजिंग लेके आए। हम अपने इधर नज़र घुमाएं तो हमारे जो पढ़े लिखे हजरात हैं वो ज़्यादा धक्के खा रहे हैं बनस्बत जो अनपढ़ है, क्योंकि अनपढ़ कोई ना कोई कारोबार कोई ना कोई काम कर लेगा, छोटा बड़ा ये नहीं देखेगा, वो करेगा। पढ़ा लिखा बंदा नखरे करेगा, वो कहेगा यार मैं जो है ग्रेजुएशन करके मास्टर करके ये काम करूँगा। तो मेरे भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम करना पड़ता है। हमारे जो पाकिस्तान के जो नौजवान नस्ल है उनमें इन चीज़ों की कमी है, वो हर काम में कोई ना कोई कमी देखते हैं, कोई ना कोई कोताही देखते हैं, क्योंकि उन्हें ज़ाहिर करना नहीं होता है। आप मुझे लेने, अगर मैंने कोई मास्टर को कंप्यूटर साइंस किया हो तो मैं थोड़ी कोई ठेला चलाऊंगा। मिसाल की बात ले रहा हूँ, जाहिर सी बात है मैं ये सोचूंगा कि कोई अच्छे से सॉफ्टवेयर हाउस में मुझे जॉब मिल जाए, अगर जॉब मिल जाएगी तो मेरी सैलरी कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60-70 लाख लगा लें। अगर उसी जगह मैं कोई कारोबार स्टार्ट करता हूँ तो मैं अपने कारोबार के ज़रिए महाना कम से कम 1 लाख से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख तक कमा सकता हूँ। क्योंकि कारोबार में जो ना वो लिमिट नहीं होती है, नौकरी में एक लिमिट है। अगर आप 30 दिन तक कोई कितनी भी मेहनत कर लें तो आपकी एक लिमिट रखी हुई है कि आपको सैलरी वही मिलेगी। कारोबार में ऐसा नहीं, कारोबार अगर आप करते रहेंगे और जितना ज़्यादा आप कारोबार को टाइम देंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी। इसीलिए अगर कोई भी भाई ये सोच रहा है कि मैं अपने बच्चे को, और मैं आज भी धक्के खा रहा हूँ, जब भी सैलरी आती है वो तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है, बाकी जो है वो इधर उधर से पकड़ पकड़ करके जो है वो महीने का राशन निकालता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों कारोबार की तरफ आएँ, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएँ, डिजिटल मार्केटिंग में थोड़े छोटे मोटे कारोबार से स्टार्ट लें। तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने बच्चे को कारोबार की तरफ लेके आएँ। शुक्रिया।